ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड। कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम आसानी से पाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कर दिखाया है काशीपुर के गिरितरा क्षेत्र निवासी श्लोक भारद्वाज ने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम दर्ज करा कर अपने माता पिता के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। रैप सॉन्ग लिखना और उसे गाना अलग बात है, लेकिन पूरे रैप में अगर सिर्फ एक एक ही अक्षर से शुरू हुआ हो तो जरूर आश्चर्यजनक की बात है। ऐसा ही नया प्रयोग काशीपुर में रहने वाला श्लोक भारद्वाज ने कर दिया है। उनके लिखे रैप के सारे अक्षर ब से शुरू होते हैं। रैप लिखने के बाद उससे फिर अपने अंदाज में गाना और भी मुश्किल काम था, लेकिन श्लोक भारद्वाज ने यह दोनों मुश्किल काम कर दिखाया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं अपने, उसके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है और ये मेरा, मैं एक इंडिया का एक पहला ऐसा फर्स्ट रैपर बना हूँ जिसने सिर्फ एक अक्षर को चुन के पूरा एक गाना तैयार किया है, जिसमें सिर्फ बा अक्षर के अलावा कोई दूसरा अक्षर प्रयोग नहीं किया, पूरा गाना खाली बा अक्षर से बना हुआ है। बाकी लिखने का मुझे लगभग 2012-13 से मैं लिखने का शौकीन हूँ। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे हिप हॉप की पहचान हुई इंडिया में तो मुझे भी थोड़ा शौक लगा, तो तब से मैं भी कर रहा हूँ। बाकी अभी चल ही रहा है, मेहनत जारी है। नहीं की करें तो एक आर्टिस्ट के लिए मतलब अपने आप को ग्रो करने से अच्छा कोई बात नहीं होती, तो मेरे लिए मतलब वही चीज़ है। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मतलब मैं जब तक काम करता रहूँगा, जब तक मैं अचीवमेंट पाता रहूँगा, मेहनत जारी रहेगी। मेरी पहुँचने में मेरे सबसे पहले फैमिली है, फिर मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल्स में दोस्त है मेरे, अविनाश मेरा दोस्त है जो मतलब मेरी वीडियोज़ वगैरह शूट करता है सब। बाकी फ्रेंड सर्कल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और हैरी अपना भाई अरशद है, साथ के बहुत सारे बंदे, काशीपुर के लोकल के काफ़ी सारे बंदे हैं जिनके यहाँ पे घर जाके रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ, शख्स से एक दोस्त, तो मतलब बहुत सारे दोस्तों की भूमिका रही है इसमें। स्कूल में पढ़ते थे वो हम मेरे को रैप लिख के ला के सुनाता था कि मैंने आज ये लिखा, आज मैंने वो लिखा। उस टाइम पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो अच्छा होता गया। अब उसने इंडिया में एक रिकॉर्ड बनाया है, जिस जो एक गाना है जिसमें हर शब्द बास है, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि वो कुछ कर सकता है, तो मैंने उसका सपोर्ट किया जितना मेरे से हो सकता था। मेरे को वीडियो के बारे में उतना नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे से कहा कि मेरे को वीडियो भी शूट करनी है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर मैं उसकी वीडियो शूट करने लगा और वीडियो एडिट करने लगा। जब तक वो चाहेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे बेहतर कोई इंसान उसे मिले जो उसके मुझसे ज़्यादा अच्छी वीडियो एडिट कर सके। मैं चाहूँगा कि उसे कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिले। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज उत्तराखंड।